Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, जैसे कि आपने already देखी लिया होगा कि हमारी revision series चल रही है, जिसके अंदर मैं commerce and management topics आपको revise करा रहा हूँ. So, हमने already corporate governance का topic पढ़ लिया है. So, आज जो topic मैं आपको revise कराने वाला हूँ, वो है business environment, जो कि एक बहुत ही important topic है for your both Paper 2 Commerce and Management. उसमें से काफी ज़्यादा question आते हैं. Approximately 3-4 questions आपको past years में मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपका पूरा इस सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से हो सके. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बिजनेस एनवायरमेंट के टॉपिक में पढ़ना है. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक कर आप हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. सो सबसे पहले हमें यह जानना है कि बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है. सो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि किसी भी बिजनेस को वर्क करने के लिए काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उसके एनवायरमेंट में, उसकी सराउंडिंग में, जो उसे इंपैक्ट करते हैं. सो बेसिकली बिजनेस एनवायरमेंट से हमारा यहां ये मतलब है कि ऑल दोज फैक्टर्स विच आर बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो इंपैक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस. सो बिजनेस आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो किसी ना किसी तरीके से रोल प्ले करेंगे, वेदर इट बी गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस हो गए, या फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट हो गया आपका, या फिर सप्लायर्स हो गए जो वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, उसका फ्री फ्लो मैकेनिज्म, ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरमेंट को या फिर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करते रहते हैं. So, ये हमारा मीनिंग हो गया. कई बार हमसे मीनिंग पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग अच्छे से पता हो. आगे चलते हैं, इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट. तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. इंटरनल एनवायरमेंट वो सारी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में काफी अच्छे से होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव्स तो बिजनेस खुद ही बनाता है, किस टाइप का उसका विजन है, किस टाइप का मिशन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 100% उसके कंट्रोल में होता है, तो इसे हम इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट बोलते हैं. बट बेस्ड ऑन इंटरनल एनवायरमेंट, इन सारे एस्पेक्ट्स की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए इस एनवायरमेंट, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी देखना जरूरी हो जाता है. अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करूं तो ये वो एनवायरमेंट है जो बिजनेस के बाहर रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं, बट किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. इसकी अगेन दो पार्ट्स हैं, वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो. माइक्रो एनवायरमेंट वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं बट डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं बिजनेस को इंपैक्ट करने में. कुछ अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो आपके कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स आपके आउटसाइड द बिजनेस हैं, बट कितना परचेज वो करते हैं, कितना ज्यादा वो प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इंपैक्ट करेंगी, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी. सिमिलरली सप्लायर्स हो गए, कितना रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड कर पाते हैं, क्या उनके पास बफर स्टॉक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके इंटरनल एनवायरमेंट, सॉरी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट बन जाएगी. और अगर मैं मैक्रो एनवायरमेंट की बात करूं तो ये वो सारे एस्पेक्ट हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हैं बट आपको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. दैट इज इनका डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होता बट किसी ना किसी फॉर्म में आपको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है या किसी तरीके से भी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफी ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं तो उसका इंपैक्ट आपकी लोन टेकिंग पे पड़ेगा. अगर आरबीआई मॉनेटरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका रेट्स बढ़ा देता है, फॉर एग्जांपल बैंक रेट्स बढ़ा देता है, तो अल्टीमेटली आपके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा. तो इस तरीके से इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है मैक्रो एनवायरमेंट का आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. तो ये हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, आगे चलते हैं, एक बार कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके इंप्लॉयज हो गए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, किस टाइप का कल्चर आप फॉलो करते हैं, किस टाइप के विजन एंड मिशन हैं, ये सारी चीजें आपके इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है. ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड गुडविल, जिस तरीके से आप बिहेवियर करते हैं, जिस टाइप के आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे ही आपका गुडविल डिटरमाइन होता है, इसलिए ये भी इंटरनल एनवायरमेंट का ही पार्ट है.
अगर आगे बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सारी चीजें होती हैं जो आउटसाइड द बिजनेस होती हैं, लेकिन वो आपको इंपैक्ट करती हैं। एंड फाइनली हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में। आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ एक डायग्राम के फॉर्म में आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिंक कलर एस्पेक्ट में चीजें दिखाई गई हैं, ये आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। एक बार देख लेते हैं इनको। कंपनी हो गई आपकी, पब्लिक्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इंटरमीडियरीज हो गई एंड कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, इवन दो दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, इसलिए ये माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हो गए। और अगर मैं मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं तो कल्चरल फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, बैंक रेट्स हो गए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आते रहते हैं, ये भी आपको इंपैक्ट किया करते हैं, तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अलग अलग टेक्निक्स, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं, इन सारी चीजों में जो चेंजेस होते हैं वो सारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। तो ये जो येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, ये सारा का सारा आपका मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। अब हमने ऑलरेडी माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट समझ लिया है, तो ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब एक एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आइडेंटिफाई करने को पूछा जाता है आपसे कि ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गलतियां करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कि आपको मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, तो इसलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां हम पहले कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट को एक बार एग्जांपल्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे टैक्स रेट्स हो गए, टैरिफ्स हो गए, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, लेबर एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गए। सो कई बार इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रेगुलेशंस लाती रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बजट के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं टैक्स नॉर्म्स में, या किस टाइप के रेट्स फॉलो होंगे, कुछ डिडक्शंस एक्स्ट्रा अलाउ किए जाएंगे, कुछ एग्जेम्पशंस नहीं आएंगी, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमाइन करती हैं, जो भी पर्टिकुलर पार्टी करंट रूलिंग पार्टी होती है। सो इसलिए ये पॉलिटिकल फैक्टर्स का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि इंप्लॉयमेंट लेवल हो गया, कितना अनइंप्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं जिसपे आपको लोन्स मिल रहे हैं, एक्सचेंज रेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारे के सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये आपको इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट करते ही हैं, साथ साथ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी इकोनॉमिक स्टेटस पे, उसके सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसके ट्रांजैक्शंस कैसे डिटरमाइन होंगे, ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करता है, इसलिए ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट हो गया। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी डिटरमाइन करती है या फिर सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेमोग्राफिक ट्रेंड के बारे में बात करूं, किस टाइप की डेमोग्राफी है आपकी, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी कैसी है, उसमें किस टाइप के कल्चर के लोग बसे हुए हैं, किस एज ग्रुप के लोग बसे हुए हैं, किस सेक्स, किस मतलब जेंडर से रिलेटेड ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसे मार्केट को केटर करते हैं या फिर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहां पे ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन एक्सेट्रा। जबकि अगर आप ऐसी लोकेशन में है जहां पे चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है या फिर चिल्ड्रेन ज्यादा है, तो आप चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे। सो अगेन ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेंगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करूं, जैसे कि अब हम बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वेदर इट बी बैंकिंग, वेदर इट बी कमर्शियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी आजकल ऑनलाइन आ गई हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड करें, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यूज करें, तो ये सारी चीजें आपको इंपैक्ट करती है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को इन चीजों के हिसाब से डिवाइस नहीं करते हैं तो आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसको कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो अगेन इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको इंपैक्ट करने वाले हैं। अगर मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो किस तरीके से प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सोशल आउटरेज है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हजार्डस हो चुका है कि रहना लोगों का मुश्किल हो गया है, तो किस तरीके से इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं, क्या आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या आप पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी और उससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या मेजर्स आप ले रहे हैं, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का पार्ट बन जाते हैं और आपको इनको भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है।
नेक्स्ट मैं बात करूं लीगल फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया इनोवेशन किया जिसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, तो अब ये जरूरी है कि आप उसके प्रोडक्शन के लिए प्रॉपरली पेटेंट्स लें या फिर प्रॉपर कॉपीराइट लें, आपने जो भी आपने प्रोडक्शन किया है या जो भी मटेरियल बनाया है, ये इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप इसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो दूसरा कोई बंदा इसका मिसयूज कर सकता है. तो अगेन, और अगर आप किसी और का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर पेनल एक्शन लगा सकता है. सो अगेन, ये जरूरी हो जाता है कि आप इन लीगल फ्रेमवर्क्स, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी प्रॉपरली एंड टाइमली फॉलो कर रहे हैं. आगे चलते हैं. अब मैं यहां पे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, एक एक जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, किस टाइप का सिस्टम हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है. क्या वो कमांड बेस्ड इकोनॉमी है, क्या वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, या फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. इन तीनों के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम एक होलसम एलिमेंट है जो काफी सारी चीजों से बना हुआ है, जैसे कि क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, क्या वो लेबर इंटेंसिव है, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव है, क्या फिजिकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, क्या आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं या फिर इंप्लॉय ओरिएंटेड हैं. ये सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आपके ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं. सो हमने जैसे पढ़ लिया कि इकोनॉमिक सिस्टम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कमांड इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज और मिक्सड इकोनॉमी. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अज्यूम करता हूं कि आपने ग्रेजुएशन में इसे ठीक से पढ़ लिया होगा. फिर भी एक ब्रीफ मैं आपको एक एक इकोनॉमीज का दे देता हूं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पे एक सेंट्रल या सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जो सब कुछ कमांड करती है, जनरली गवर्नमेंट होती है, एंड गवर्नमेंट इज द मेजर डिसीजन मेकर. मतलब जिन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जितना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आप उतना ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाएंगे. आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन एंड द प्राइस सेटिंग, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. तो उसको हम कमांड बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपके ऊपर एक अथॉरिटी है जो सारी चीजें डिटरमाइन कर रही है या फिर डिसीजंस ले रही है. तो नाम से ही आप इस चीज को याद कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करूं तो जो वर्ड है वो है मार्केट. इसका मतलब इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमी का कंसेप्ट याद आ रहा है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन होते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. इसका मतलब ये है कि मार्केट को पूरी की पूरी फ्रीडम दे दी गई है विद रिगार्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट लगता है कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप इतनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, उसकी आपको फुल फ्रीडम है. आप डिमांड एंड सप्लाई को मेजर करिए और उसमें जो भी आपको ऑप्टिमल प्राइस एंड क्वांटिटी लगती है आप उसे फ्रीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया. अगर मैं बात करूं मिक्स्ड इकोनॉमी, तो नाम आपको खुद ही बता रहा है कि मिक्स सिस्टम है, दैट इज इट इज अ मिक्स्ड ऑफ कमांड एज वेल एज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे या कुछ ऐसे एरियाज होंगे पूरे सिस्टम के अंदर, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर कंट्रोल रखेगी या अथॉरिटी रखेगी. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्ट्रैटेजिक बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल अटोमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गए, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक यूनिट्स हो गए, बॉम्ब्स एंड एम्यूनिशंस हो गए. इन सारे केसेस में गवर्नमेंट ने अपने ऊपर अथॉरिटी रखी हुई है, जबकि कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोदिंग हो गई या फिर आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स हो गए, इन सारे चीजों पे प्राइवेट सेक्टर को या फिर आप कह सकते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को परमिशन दी गई है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने तीनों सिस्टम के बारे में ब्रीफली पढ़ लिया है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है तो आप इस कंसेप्ट के थ्रू आंसर कर सकते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में. किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो इंपैक्ट करती हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. सबसे पहले बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी. स्टूडेंट जैसे ही आपको पता, जैसे ही आपको दिमाग में फिस्कल पॉलिसी आता है या फिर जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में फिस्कल पॉलिसी नजर आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. क्योंकि टैक्सेशन वो पर्पस है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और जो स्पेंडिंग है वो आपके सारे एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो इंफ्रास्ट्रक्चरल, या फिर वो नॉन डेवलपमेंट हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट और अदर एड्स गिवन टू सोसाइटी. सो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे ही फिस्कल पॉलिसी की बात आती है इट इज अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन. तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और इस पर सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है. जो भी उसको
लगता है कि पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है कि आरबीआई जो है वो उसके कंट्रोल में होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और वो इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट काफी ज्यादा मेजर्स लेती रहती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, साथ साथ इन्फ्लेशन की भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी कर्टेल किया जा सके इफेक्टिवली। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने दोनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है एक एक चीज को, बिकॉज इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पास्ट में भी आए हुए हैं। सो एक एक बार टर्म देख लेते हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड द अदर इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो हैं जो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स या क्वांटिटेटिव स्पेसिफाई करके मनी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं, और क्वालिटेटिव मेजर्स वो हैं जिसमें कुछ रेट्स एंड इंटरेस्ट तो नहीं है बट ये थ्रू डायरेक्ट एक्शन या आप कह सकते हैं थ्रू मेजर्स इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी बट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस गिवन थ्रू वर्ड्स एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सो इन सारे टर्म्स को एक बार धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक रेट होता है जिसपे आरबीआई लेंड करती है मनी किसको, कमर्शियल बैंक्स को या फिर डोमेस्टिक बैंक्स को फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ताकि उनकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हो सके। और मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मेजरली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होती है कि जो भी बिल्स हैं कमर्शियल बैंक के पास उसको वो आरबीआई के पास से डिस्काउंट करा के अपने फंड्स प्रोक्योर कर सकती है। तो ये एक टाइप का लोन होता है और इसमें कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है, तो मैं यहाँ पे बता दूं बैंक रेट के केस में आपको कोई भी कोलेटरल नहीं देना होता। बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जब आप सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं ताकि आप सिक्योरिटीज सेल कर दें और जो मनी सप्लाई है उसको आरबीआई ले लेती है अपने पास, ताकि जो मनी सप्लाई है वो कर्टेल हो सके। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है और मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है तो वो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करने लगती है, दैट इज सिक्योरिटीज परचेज करके पैसा मार्केट में दे देती है ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। सो ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स का एग्जाम्पल हो गया इन द फॉर्म ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ टोटल टर्म डिपॉजिट्स एंड लाइबिलिटीज जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है। तो कुछ परसेंटेज होता है जो एज अ सेफ्टी एज अ सिक्योरिटी मेजर्स, कुछ परसेंटेज अपने टोटल डिपॉजिट्स का हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख लेता है ताकि एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट बात करेंगे एसएलआर के बारे में, दैट इज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी के लिए होता है। यहां पे ये होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक्स को अपने खुद के पास रखना पड़ता है, और ये इसलिए होता है ताकि कल को अगर कोई डिपॉजिटर बड़ा डिपॉजिटर आ जाता है पैसे विड्रॉ करने के लिए तो आप उसको मतलब अमाउंट निकाल के आसानी से दे सकें और उस टाइम पे किसी भी टाइप का क्योस ना हो। सो हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो आपको ये चारों टर्म्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, दैट इज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में। तो क्वालिटेटिव मेजर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, या फिर आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल में जो कि आरबीआई करता है। सो यहाँ पे एक बार इसके सारे एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना या फिर लिमिट करना। सो यहाँ पे एक फोकस ये रहता है कि कमर्शियल बैंक्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में लिमिट कर दे जो वो लोन अभी तक प्रोवाइड कर रहा था। इसे हम कहेंगे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन से आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, परसुएशन या फिर परसुएड करना। सो यहां पे कमर्शियल बैंक्स को परसुएड किया जाता है आरबीआई द्वारा कि वो लोन्स को रिड्यूस कर दे या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लोन्स कम दे। ये सारा इसलिए किया जाता है ताकि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जा सके और इन नेचुरल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। जैसे कि वर्ड ही कह रहा है यहां पे एक्शन लेने की बात हो रही है, तो यहां पे आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है उन कमर्शियल बैंक्स की तरफ जो इसके डायरेक्शंस को ओबे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक से आपको नोटिफिकेशन आई है कि आपको लोन्स कम देने हैं, ज्यादा लोन्स नहीं देने हैं, और अगर आप इस चीज को ओबे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट।
कई बार गवर्नमेंट का ये फोकस रहता है और गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई ये डिसीजन लेती है कि अब हम कंज्यूमर क्रेडिट कम दिया करेंगे. सो उसमें भी प्रॉपर रेगुलेशंस के लेटर्स आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स को फ्रॉम आरबीआई. सो अगेन यहाँ पे वो कंज्यूमर क्रेडिट के लिए जहां पे कंज्यूमर्स को पैसे चाहिए, लोन चाहिए, उसकी फैसिलिटी को भी रिड्यूस या फिर कम कर देता है. लास्ट बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक टाइप की फैसिलिटी है जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को दी हुई है, जिस केस में आप ओवरनाइट एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी लिक्विडिटी नीड्स या फिर इमरजेंसी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आरबीआई से लोन ले सकते हैं. तो क्वालिटेटिव मेजर्स के फॉर्म में कई बार इस फैसिलिटी को बंद कर दिया जाता है या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है. कई जगहों पे, कई डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग प्लेसेस पे इस चीज पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि ये क्वालिटेटिव मेजर्स है क्वांटिटेटिव मेजर्स है. बट आप इसकी मीनिंग को समझ लीजिए ताकि अगर ये कंसेप्ट आपको आता है एग्जाम में तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकें. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप कि जो हमने आज इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करी हैं अंडर द टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको प्रॉपरली कर पाएंगे. Till then, keep practicing, keep revising. Thank you and have a nice day.